हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फंडा। दोस्तों, हम आज बात करेंगे यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम 2017 की डिटेल स्ट्रेटेजी, बुक लिस्ट एंड हाउ टू प्रिपेयर दिस एग्ज़ाम। उस पर जाने से पहले दोस्तों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि इस वीडियो से पहले 4 वीडियोस बनाई जा चुकी हैं, जिसमें मैंने सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के बारे में सब कुछ बताया है, कैसे एग्ज़ाम होगा आपका, क्या प्रोसेसेस होंगी और आपको क्या क्या करना है उसके लिए, और असिस्टेंट कमांडेंट क्या होता है, क्या उनकी सैलरीज होती हैं, क्या प्रमोशंस होते हैं, एवरीथिंग अबाउट असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम। ठीक है, तो इस वीडियो में स्पेशली हम बात करेंगे कि स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि अलग अलग सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं, जैसे इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, डिफेंस सेक्शन, इकोनॉमिक्स, ऐसे। ठीक है, तो अब हम इसमें बात करेंगे किस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, किन चीज़ों को इग्नोर करना है और आपका टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिटेल में जाने से पहले हम इस एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा सा वो जान लेते हैं कि आपको क्या क्या करना है। सबसे पहला, डिटेल स्ट्रेटेजी फॉर एग्ज़ाम, हाउ टू प्रिपेयर। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में आपको यही बताया गया है कि आपको एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है। टाइम लेफ्ट 10 मंथ्स अप्रोक्स। ठीक है दोस्तों, अभी अक्टूबर चल रहा है, अभी भी इस मंथ के 15 दिन बचे हुए हैं और आपका एग्ज़ाम जो ये वाला असिस्टेंट कमांडेंट का है, ये 23 जुलाई, अभी तक यही डेट मतलब है, यूपीएससी डेट्स बहुत कम चेंज होती है। ठीक है, तो 23 जुलाई को है, तो अभी इसमें अप्रोक्सीमेट 10 मंथ्स का टाइम है आपके हाथ में, पूरा 10 महीने। ठीक है दोस्तों, और ये एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए बहुत हैं अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो। यू जस्ट नीड 80 to 85 क्वेश्चंस टू बी करेक्ट। इसका मतलब क्या है दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था 125 क्वेश्चन आते हैं इसमें, 250 नंबर्स का इसमें होता है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन। आपको 125 में से 125 नहीं करने हैं, आपको सिर्फ सिलेक्शन चाहिए और ये पेपर क्लियर करना है, तो नेगेटिव मार्किंग से बचे और आपका टारगेट 80 से लेके 85 क्वेश्चंस का होना चाहिए। ठीक है, कि मुझे इतने बिल्कुल ठीक करने हैं विदाउट नेगेटिव मार्किंग, बजाय कि आप 100, 110, 120 करके आओ, उसमें आपके 30-40 क्वेश्चन गलत हो जाएं। ठीक है दोस्तों, तो आपकी कट ऑफ भी क्लियर नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद अवॉइड नेगेटिव मार्किंग, आपने नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करना है। अगर आपको क्वेश्चन बिल्कुल श्योर है, 100% श्योर है, तो आप उसको लगाना है, नहीं तो आप उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, और मैंने पिछले वीडियो में बताया था एक एलिमिनेशन मेथड होता है, उसके एग्जांपल्स भी बताए थे, उसका यूज़ कैसे करते हैं, उसका आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपका 50% तक अगर आपको लगता है कि 2 ऑप्शंस में से हो सकता है, तो आप उसका यूज़ कीजिए, उसमें चांसेस आपके ज़्यादा हैं कि क्वेश्चन आपका ठीक हो जाए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कट ऑफ विल बी अप्रोक्सीमेटली 120 to 130 मैक्स। अभी तक जो पिछली कट ऑफ्स की अगर बात की जाए, तो कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाती है, 100, 110, 115 तक गई हैं। ठीक है, 120 तक लगा लीजिए आप। आप ये मान के चलिए कि इस बार भी 120 से 130 के बीच में जाएगी, लेकिन आपको 80 से 85 क्वेश्चन ठीक करने। इसका मतलब क्या हुआ, आपको 250 में से 160 से लेके 170 नंबर तक लेके आने हैं पहले पेपर में। ये पेपर कोई क्वालिफाइंग पेपर नहीं है, जितने ज़्यादा मार्क्स आप लेके आओगे उसके का बेनिफिट आपको ही उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, सेट योर टारगेट एंड वर्क हार्ड। अपना टारगेट सेट कर लीजिए कि आपको कितने टाइम में क्या करना है, बाकी मैंने आगे बताया है कि आपको इस प्रिपरेशन में कितना टाइम लगेगा, उसके अकॉर्डिंग आप चलिए और वर्क हार्ड कर लीजिए। ये स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया, सॉरी। इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आपके मिनिमम 5 to 7 आवर्स क्वालिटी स्टडी रिक्वायर्ड। ठीक है दोस्तों, जनरली क्या होता है, बच्चे वीडियोज़ बहुत देख लेते हैं, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ये क्या होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, बुक लिस्ट डाउनलोड करते रहेंगे हर जगह से। ठीक है, एक सोर्स पकड़िए, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, बजाय 10 चीज़ों के पकड़ने के। ठीक है, तो आपको अगर ये एग्ज़ाम असली में क्वालिफाई करना है, कुछ आपको बनना है, अगर आपको रेपुटेशन चाहिए सोसाइटी में, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्तों, बिना मेहनत के कहीं पे भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 5 से 7 घंटे मिनिमम, मतलब 5 तो पढ़ना ही पड़ेगा, 5 के बगैर आपको सिलेबस भी नहीं हो पाएगा। 5 से 7 घंटे अगर आप डेली पढ़ते, तो एग्ज़ाम आपका कोई नहीं रोक सकता इस एग्ज़ाम को क्लियर होने से। ठीक है, नो वन कैन स्टॉप योर सिलेक्शन इन टॉप 50। आपका सिलेक्शन टॉप 50 में होगा अगर आप डेली शिद्दत से अगर 5 से 7 घंटे अगर पढ़ते हैं तो। और दोस्तों, 24 घंटे से में से 5 से 7 घंटे निकालना किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कोई ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आप कुछ भी कीजिए, बस 5 से 7 घंटे, 5 से 8 लगा लीजिए घंटे दीजिए, आप 7-8 घंटे की नींद भी लीजिए, बाहर घूमिए फिरिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन 5 से 7 घंटे सीरियस होकर पढ़ लीजिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रेटेजी योर सिलेबस मस्ट बी कम्प्लीटेड विद इन 5 to 6 मंथ। ओके, आपके हाथ में 10 महीने हैं, जो मैंने आगे स्ट्रेटेजी बताई, इसमें 5 से 6 महीने आपको मैक्सिमम लगने चाहिए, देन रिवाइज एंड गिव मॉक टेस्ट। ओके,
सक्सेस का कोई भी एग्ज़ाम क्लियर होता है तो उसके लिए आपको मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। उससे आपको पता लग जाता है कि आपका लेवल क्या है और आपने क्या क्या कितना क्या पढ़ लिया है। ठीक है दोस्तों, तो मॉक टेस्ट देना जरूरी है, वो आगे बाद में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं, बेस्ट ऑफ लक। हाँ जी, पहले हम पॉलिटी सेक्शन की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, पॉलिटी सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसमें 20 से 25 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपने इसको इग्नोर कर दिया तो आप बहुत लॉस में चले जाओगे। ठीक है, इस पार्ट को कवर करने के लिए आपको 30 से 40 दिन लगने चाहिए मैक्सिमम, 30 to 40 days। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि या तो ये बिल्कुल ज़्यादा है 30 से 40 दिन या बिल्कुल कम है। दोस्तों ये एक बहुत ही सही टाइम, अगर आप अच्छे से स्ट्रेटेजी से चलोगे तो, वो आगे बताया है मैंने कैसे क्या करना है। ठीक है, उसके बाद किन चीज़ों पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है इस सेक्शन में। ठीक है, सबसे पहला आर्टिकल, बिल, शेड्यूल्स, कमेटी, अमेंडमेंट एक्सेट्रा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट 8 से 10 क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं। आर्टिकल, बिल, शेड्यूल, कॉन्स्टिट्यूशन, कमेटी, अमेंडमेंट, इन पे सीधा 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आपको आर्टिकल वगैरह ये सब जो अमेंडमेंट्स हैं, शेड्यूल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, इनको बहुत अच्छे बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्टेट गवर्नर, सेंट्रल गवर्नमेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कोर्ट्स, कैग, ठीक है, कमेटीज, दोस्तों ये सब चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से बहुत ही डिटेल में पता होनी चाहिए। ठीक है, इसमें से डायरेक्ट 5 to 7 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जैसे पिछली बार आया था 2015 में CAG के बारे में आया था कि उनको कौन हटा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इनके ऊपर भी ज़्यादा ध्यान देना है। 8 से 10 ऊपर वाले में आते हैं, 5 से 7 क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। ठीक है, के बाद नहीं सॉरी 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं प्रेसिडेंट वाले में, और इसमें बिल्स वाले में आते हैं 5 से 7 क्वेश्चन। वेरी करता है, डिपेंड करता है कि पेपर कैसा आता है, कुछ श्योर नहीं है, पिछली बार के बेस पे मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। दोबारा बता देता हूँ, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्टेट गवर्नर, सेंट्रल गवर्नमेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कोर्ट्स, जुडिशरी, कोर्ट्स वगैरह जुडिशरी में आ जाती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, स्टेट कोर्ट्स, ये वो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, इन सबको आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, ये इसमें से आपके सीधा 10 क्वेश्चन आ जाएंगे, आपके 10 को यहाँ मार्क्स के जगह दोस्तों क्वेश्चन आएंगे यहाँ इधर, सॉरी ये मिस्टेक हो गया है आगे मुझे लग रहा है। हाँ, इसमें मार्क्स के जगह दोस्तों क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि मार्क्स तो 40 बनते हैं ना फिर अगर 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सॉरी ये मिस्टेक हो गया है। उसके बाद करंट की पॉलिटी, न्यू लॉज, अमेंडमेंट लाइक दैट, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं पॉलिटी में। ठीक है, तो 5 से 7 क्वेश्चन से कोई नया लॉ बनता है, जैसे अभी 2016 में अभी थोड़े दिन पहले ही महीने एक पहले एक लॉ आया था, सरोगेसी लॉ। ठीक है, तो वो लॉ आ सकता है, या कोई और जो भी लॉ पास होते हैं उनमें से आपका करंट उसमें आ सकता है। ठीक है, तो ये तो वो हो गया कि आपको दोस्तों करना क्या है सेक्शन। ठीक है, और आपको एक चीज़ ध्यान रखना, आपको PhD नहीं करनी है, कि आप रिसर्च में चले जाओ, आपको जितना आपको बताया जाए वही कीजिए आप, बाकी आप किसी और सोर्स से, अगर कहीं और से आपको कोई बताता है तो उनकी भी एक बार देख लीजिए, पर मुझे लगता है कि अगर ये चीज़ें आप कर लोगे तो ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, सोर्स क्या क्या होने चाहिए, आपको बहुत ज्ञान देने वाले मिल जाएंगे, NCERT पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, कुछ नहीं पढ़ना है दोस्तों, NCERTs में कुछ नहीं है। ठीक है, ज्योग्राफी, साइंस, अगर इनके लिए अगर मैं कहूँ तो सारी NCERT बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन पॉलिटिक ऐसी चीज़ है, लॉज कभी नहीं बदलते। ठीक है, मतलब अमेंडमेंट होते हैं, लॉज मतलब जो एक बार लिख दिए, स्टेटिक पोर्शन है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो आप जो 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जो 6 NCERTs हमारी जितनी भी हैं, मतलब इनमें कोई ऐसा कुछ खास नहीं है, मैंने पढ़ी है 2-3 बार, मुझे नहीं लगा कि किसी को जरूरत पढ़नी चाहिए। सिर्फ आपको क्या करना है, एक NCERT जरूर पढ़ लीजिए। ठीक है, वो NCERT है क्लास 1 NCERT, क्लास 11th NCERT, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये NCERT। बेसिक क्वेश्चंस आपके लगभग जो उनसे ये बिल वाला है, और ये जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है, इनमें से 2-3 क्वेश्चन सीधा उठा के दे देते हैं इस बुक से। ठीक है, आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं, ये बुक आप पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से 200-250 पेज के आसपास होगी इसके वो, तो आप इसको 2 दिन में ख़त्म कर लीजिए आराम से, अपना 5-7 घंटे आपको डेली पढ़ना है तो 2 या मैक्सिमम 2 या 3 दिन में आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस बुक को पढ़ने के बाद इससे आप नोट्स बनाना चाहो तो बना लेना, बाकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है नोट्स बनाना, जस्ट एक रीडिंग ले लेना 1-2-3 दिन में कि क्या होता है, आपको ये पता चल जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर वर्किंग कैसे है, प्रेसिडेंट क्या वर्क करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या क्या काम है, कोर्ट्स कैसे वर्क करती है। ठीक है, तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि जिन चीज़ों का हमें पता नहीं होता ना, और हमारे सराउंडिंग में अगर वो चीज़ें हो रही होती है, अगर हमें उसके बारे में पता चलता है तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है, तो आपका इंटरेस्ट भी बनेगा इसमें। ठीक है, उसके बाद MCQ प्रैक्टिस,
उसके बाद सॉरी लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत, 1 मंथ। दोस्तों ये जो बुक है ये यूपीएससी की बाइबल है, किसी भी एग्ज़ाम को अगर आपको क्रैक करना है, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, अगर आपने लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ी है तो मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों, कोई भी एग्ज़ाम उठा लीजिए, जैसे CGL, CAPF असिस्टेंट कमांडेंट, CDS, UPSC, IAS, कोई भी, 95% आपका 95% काम इस बुक से डायरेक्ट हो जाएगा, करंट अफेयर को छोड़ के। ठीक है, स्टैटिक पार्ट में इससे अलग कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि दोस्तों इससे अच्छी बुक नहीं है कोई भी मार्केट में, तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और पढ़ने का तरीका बताता हूँ आपको क्या होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जाते ही फर्स्ट चैप्टर से शुरू हो जाओ, चैप्टर 1, चैप्टर 2, ऐसे ऐसा बिल्कुल मत करना, आपको बहुत मतलब दिक्कत होंगी आगे। सीधा आप कुछ मत कीजिए, देखो दो तरह से गवर्नमेंट काम करती है, जब आप NCERT 11th की पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे जैसे सेंटर में काम होते हैं वैसे वैसे स्टेट में काम होते हैं। ठीक है, आप शुरुआत कीजिएगा प्रेसिडेंट से। ठीक है, किससे? प्रेसिडेंट से, आप लिख लीजिए इसको कहीं पे, प्रेसिडेंट से शुरुआत कीजिए। जब आपका प्रेसिडेंट वाला चैप्टर डायरेक्ट खत्म हो जाए तो आप सीधा आइए स्टेट गवर्नमेंट के गवर्नर पर। ठीक है, गवर्नर को स्टडी कीजिए, गवर्नर को जब आप स्टडी करोगे उसके बाद पढ़ना PM। ठीक है, PM के बाद पढ़ना सीधा CM। ठीक है, उसके बाद जैसे सुप्रीम कोर्ट पढ़ना है, फिर स्टेट का हाई कोर्ट पढ़ना है, ऐसे ऐसे करके दोस्तों आपको ख़त्म करनी है। ठीक है, उसके बाद जब आप ये ख़त्म कर लोगे, 1 महीना लगना चाहिए इसमें, मैक्सिमम 1 महीना। ठीक है, 1 महीने से ज़्यादा इसमें नहीं लगनी चाहिए, 1 महीना इसमें और 2 या 3 दिन इसमें, मतलब आप 30 से लेकर 40 दिन तक आपको इंडियन पॉलिटी ख़त्म करनी है किसी भी हाल में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है बस आपको, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा आप टाइम लोगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आ जाएगी फिर। वैसे बहुत है, 40 दिन बहुत होते हैं, लक्ष्मीकांत में मुश्किल से 20 से 25 दिन लगते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको 1 महीना दिया है, आप आराम आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छे से पढ़िए। नोट्स बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, हाईलाइटर का यूज़ कीजिए, पहली बार में हाईलाइट मत कीजिए, क्योंकि अगर आपको पहली बार में तो समझ में ही नहीं आएंगे कि भाई कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है। ठीक है, तो हाईलाइटर का यूज़ बिल्कुल मत करना पहली बार में। हाँ, दूसरी रीडिंग जब आप लोगे तब आप हाईलाइटर का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, या आप एक काम कर लीजिए, प्रीवियस ईयर के जितने पेपर्स हैं उनको उठाइए। ठीक है, अंडरलाइन कर सकते हो आप, पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा हाईलाइटर की बजाय। ठीक है, तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स इंडियन पॉलिटी की आपको कहीं से मिल जाएंगे, इसमें आप देख लीजिए, एनालिसिस करोगे CAPF के प्रीवियस ईयर पेपर का, तो आपको पता चल जाएगा कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो डायरेक्ट आर्टिकल पूछे जाते हैं बहुत सारे, तो आर्टिकल आपको सारे नहीं करने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल होते हैं तो उन पर ध्यान देना, जैसे कश्मीर का अलग है, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़, इन पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है आपको। ठीक है, उसके बाद किसी स्टेट का आर्टिकल है वो, प्रेजिडेंट शिप के जो आर्टिकल हैं वो, प्राइम मिनिस्टर के जो आर्टिकल हैं वो, इन सब पे। ठीक है, तो इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। उसके बाद रिवाइज एवरीथिंग वट एवर यू स्टडी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आपको हर वो चीज़ जो आपने पढ़ी है उसको रिवाइज करना है, क्योंकि दोस्तों हमारी मेमोरी ऐसी होती है कि हम जो चीज़ें पढ़ते हैं हमको ज़्यादा देर तक याद नहीं रहती है। ठीक है, आपको जैसे 1 महीना पूरा हुआ, आपने फिनिश कर दिए, ठीक है, उसके बाद 2 या 3 दिन, ठीक है, 2 या 3 दिन मैक्सिमम देखे आप इसे रिवाइज कर देना जो आपने पढ़ा है। ठीक है, जो जो चीज़ आपने अंडरलाइन की है, आप इस बुक को तब शुरू करना जब आप प्रीवियस पेपर्स को देख लो कि क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कौन सी लाइनें आपको अंडरलाइन करनी है। 2 से 3 दिन इसको रिवाइज करना, उसके बाद इसे छोड़ देना। ठीक है, उसके बाद आस्क मी फ्री PDF ऑफ ऑब्जेक्टिव पॉलिटी व्हेन यू डन विद द सिलेबस। जब आपका ये सिलेबस हो जाए पूरा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको सीधा दे दूंगा, मैं भी आपसे एक टेस्ट टाइप में पूछूंगा, मतलब कुछ क्वेश्चंस, अगर मुझे लगा हाँ आपने सच्चे दिल से अगर वो किया है तो आपको मैं बिल्कुल फ्री PDF दूंगा। बहुत ही बहुत बहुत हाई क्वालिटी की वो है, क्या बोलते हैं, बुक है वो, उसमें MCQs हैं दोस्तों। ठीक है, MCQs हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, अगर मुझे लगा कि आपको उसकी ज़रूरत है, आपने सिलेबस किया है, तो मैं आपको बिल्कुल फ्री दूंगा वो, मैंने परचेज़ किए थे, पर कोई बात नहीं, आपको फ्री मिलेगा वो। ठीक है, तो आपका जब ये सेक्शन कंप्लीट हो जाए तो प्लीज़ मुझे बता देना, फिर मैं आपका एक छोटा सा टेस्ट लेके आपको PDF प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इंडियन पॉलिटी के बारे में। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई पूछना है, अगर आपकी कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, या कोई आप मैसेज भी कर सकते हैं मुझे फेसबुक पे, www.